गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सिक्स में हमारे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर सिक्स के बारे में बात कर रहे थे एंड अब तक हम लोगों ने इसके लगभग चार या पांच क्लासेस ले ली, जिसमें हम लोगों ने अम्लीय मृदाओं के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद में लवणीय मृदाओं के बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट वाली जो क्लास थी जिसमें हम लोगों ने लवणीय मृदाओं के बारे में बात की थी कि लवणीय मृदाएँ क्या होती है और उनके बनने के कारण क्या थे, अब आज हम बात करेंगे उसके आगे वाले स्टेप की कि लवणीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है। तो क्लास शुरू करने से पहले आई होप आप लोगों ने जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ाया है उसको नोट कर लिया होगा, बिकॉज सिर्फ देख के नहीं छोड़ दिया होगा, कुछ वीडियो आए वीडियो देखा और छोड़ दिया, उसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। सो इसी उम्मीद के साथ आज वाला क्लास में भी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे लवणीय मृदाओं के निर्माण की, कि लवणीय जो मृदाएँ होती है यानी कोई भी नॉर्मल मृदा जब लवणीय मृदाओं में कन्वर्ट होती है तो जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है लवणीय मृदाओं का निर्माण। अगर हम लवणीय मृदाओं के निर्माण की बात करें तो एक साइंटिस्ट है डॉक्टर डी इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि कोई भी नॉर्मल मृदा जब लवणीय मृदाओं में चेंज होती है तो वो क्या होती है, वो क्या है एक पांच चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। वैसे पांच प्रक्रियाएं होती है पर इसमें से मेन चार प्रक्रियाएं हैं, पांचवी इसकी दोबारा चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब कभी भी कोई नॉर्मल मृदा लवणीय मृदाओं में बदलेगी तो ये क्रिया चार प्रक्रियाओं में तो पांच प्रक्रियाओं में पूर्ण होगी। उसमें से पहली प्रक्रिया की बात करें तो वो होती है लवणों का या नमक का एकत्रित होना, नमक का एकत्रित होना। जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में लवणीकरण भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया में दूसरी प्रक्रिया होगी इन लवणों का क्षार में परिवर्तन होना, यानी लवणों का क्षारीय तत्वों में परिवर्तन। जिसे हम क्षारीकरण कहते हैं, जो प्रोसेस होगी वो होगी प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी माध्यम से लवणों का निक्षारण। ओके, निक्षारण हम सब जानते हैं, निक्षारण या जिसे इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं, तो और इस क्रिया को हम कहते हैं न्यूनीकरण। ओके, और चौथी क्रिया है इसमें निम्नीकरण, इन लवणों का निम्नीकरण। और जो पांचवी क्रिया होती है वो होती है रीग्रेडेशन, ग्रेडिंग। इन पांच प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई भी सामान्य मृदा लवणीय मृदाओं में चेंज होती है। अब इन प्रक्रियाओं में एक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात करते हैं हम लवणीकरण की। अगर हम पहला है लवणीकरण, लवणीकरण की बात करें तो डॉक्टर सिग्मोइड के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जब विभिन्न स्रोतों से लवण मृदा में आकर एकत्रित हो जाते हैं तो इस क्रिया को लवणीकरण कहा जाता है। समझ में आया कि जब विभिन्न स्रोतों, स्रोत कौन कौन से, चाहे वो आग्नेय चट्टानों के अपघटन से हो,
या फिर शुष्क क्षेत्रों में बालू या शेल चट्टान के अपघटन से या कुछ मात्रा में ज्वालामुखी के से प्राप्त गैसों से यानी विभिन्न स्रोत। डॉक्टर सिंगोड़ी के अनुसार क्या कहा गया कि विभिन्न स्रोतों से कौन कौन से, चाहे वो आग्नेय चट्टानों के अपघटन से हो या फिर शुष्क क्षेत्रों में उपस्थित बालू या शेल चट्टानों से या फिर ज्वालामुखी के फटने से, इन तीन स्रोतों से लवण क्या करते हैं, मृदा में आ जाते हैं और इन लवणों का मृदा में आकर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है, लवणीकरण कहलाती है। तो पहला स्टेप समझ में आया, पहले स्टेप में क्या होगा, विभिन्न स्रोत जैसे कि आग्नेय चट्टानों के अपघटन से या फिर शुष्क क्षेत्रों में उपस्थित बालू पत्थर या अन्य चट्टानों के अपघटन से या फिर कुछ मात्रा में ज्वालामुखी के फटने से प्राप्त जो गैसें हैं उनसे प्राप्त जो लवण है वो क्या करेंगे, मृदा में आकर एकत्रित होते हैं और मृदा में आकर जब ये लवण एकत्रित हो जाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है लवणीकरण। नेक्स्ट अगर बात करें तो लवणीकरण की बात करेंगे क्षारीकरण की। अच्छा, बात करते हैं क्षारीकरण की। तो क्षारीकरण में क्या कहा गया कि लवणीकरण की प्रक्रिया में जो लवण बनते हैं वो लवण किसमें चेंजेस हो जाते हैं, क्षारीय तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, यानी जब पहली प्रक्रिया में मृदा सतह पर आकर लवण एकत्रित होते हैं तो उन लवणों में क्या करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ साथ सोडियम भी क्या करता है, मृदा कोलाइड पर आकर एकत्रित हो जाता है। और जब ये सोडियम मृदा कोलाइड पर आकर एकत्रित हो जाता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इन धनायनों को यहाँ मृदा कोलाइड से रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने लेसन नंबर 3 में कोलाइडों के बारे में बात की थी, तो उसमें क्या था कि जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं जो अपने ऊपर धनायनों को आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब लवणीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त लवण कौन कौन से, चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम हो, ये क्या करेंगे, मृदा पे आकर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, इन मृदा पे आ गया, मृदा कोलाइड पर आकर एकत्रित हो जाएंगे। तो इन लवणों, जब ये लवण मृदा कोलाइड पर आकर एकत्रित होंगे तो इसमें उपस्थित सोडियम क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा और बाकी धनायनों को ये यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके उनके स्थान पर भी खुद आ जाएगा, जिससे मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय बनना शुरू हो जाएगी। तो क्षारीकरण की समझ, ये प्रोसेस समझ में आई। क्षारीकरण में क्या होगा कि लवणीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त लवण मृदा में आते हैं और मृदा कोलाइडों पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं। कौन कौन से लवण, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम है, उसमें उपस्थित सोडियम क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा और जैसे ही अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा तो कोलाइडों पर उपस्थित अन्य धनायनों को वहां से हटा देगा, उसके स्थान पर खुद आ जाएगा और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्षारीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूनीकरण की। तीसरी प्रक्रिया है लवणी मृदाओं के लवणी बनने में, वो है अधिक्य लवणों का न्यूनीकरण। ठीक है, अधिकीय लवणों का न्यूनीकरण इसमें क्या होगा, जैसा कि हमें पता है, इसमें हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी कारक के द्वारा मृदा सतह पर उपस्थित जो कोलाइड्स होते हैं उनमें उपस्थित जितने भी धनायन है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे निक्षालित हो जाएंगे और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, न्यूनीकरण कहा जाता है। अब होगा क्या,
हम लोगों ने बात की थी कि शारी जब शारीकरण की प्रक्रिया बढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि मृदा कोलाइडों पर क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के तनाएं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम उपस्थित होते हैं और उनमें साथ साथ सोडियम भी आ जाता है। धीरे धीरे ये सोडियम क्या करेगा अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगा और बाकी धनायनों को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से रिप्लेस हुए बाकी धनायन ये क्या होते हैं जल विलय होते हैं जो पानी के साथ क्या करेंगे मृदा सतह के नीचे चला जाएंगे और मृदा सतह पर सिर्फ और सिर्फ कौन बच जाएगा सोडियम बच जाएगा। अब ये जैसे सोडियम बचेगा ये क्या करेगा सोडियम धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा और जैसे ही अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या करेगा मृदा में इन्फिल्ट्रेशन की जो क्रिया होगी यानी जल का जो अंतस्त्राव होता है यानी जल का नीचे की तरफ जाना उस क्रिया को ये रोकने लग जाएगा और इस क्रिया को क्या कहा जाता है न्यूनीकरण कहा जाता है। यानी न्यूनीकरण की प्रक्रिया में क्या होंगे कि क्षारीकरण की प्रक्रिया में जो भी धनायन मुक्त होते हैं वो धनायन क्या होते हैं पानी के साथ निचले क्षेत्रों में निक्षारित हो जाते हैं और जबकि जो सोडियम होता है वो मृदा कोलाइडों पर ऐसे एज इट इज झुका त्यों चिपका रहता है। यह सोडियम क्या करेगा धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा और जब मात्रा में वृद्धि करेगा तो मृदा कोलाइडों को क्या कर देगा अवक्षेपित कर देगा क्या करेगा अवक्षेपित कर देगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि इन जैसे सोडियम की मात्रा में वृद्धि होगी मृदा कणों से पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है या अंतःस्रावण होता है वो रुक जाएगा। ये होती है न्यूनीकरण की क्रिया। नेक्स्ट क्रिया की बात करें तो वो होता है निम्नीकरण। चौथी जो प्रक्रिया है वो होती है निम्नीकरण की। निम्नीकरण की क्रिया की बात करें तो निम्नीकरण में क्या कहा गया है कि हम लोगों ने अभी बात की थी न्यूनीकरण में जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि मृदा एक समय ऐसा आता है कि मृदा कोलाइडों पर केवल और केवल सोडियम उपस्थित होता है। ये सोडियम धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि करता रहता और एक टाइम ऐसा आता है कि इस सोडियम को यहाँ से रिप्लेस करने के लिए कोई अन्य धनायन नहीं बचता। अब जब ये कोई अन्य धनायन नहीं बचता तो ये सोडियम क्या करेगा जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने के साथ साथ ये क्या करेगा एक हाइड्रोजन यहां से मुक्त करेगा और ये हाइड्रोजन इन क्ले कणों पर आकर ये हाइड्रोजन मुक्त हुई हाइड्रोजन क्या करती है क्ले कणों पर आकर अधिशोषित हो जाएगी और जब ये क्ले कणों पर आकर अधिशोषित हो जाएगी तो ये क्या करेगी मृदा को अम्लीय बनाने लगेगी। इसी प्रक्रिया में बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा मृदा में उपस्थित CO2 के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा जो धीरे धीरे क्या हो जाती है नीचे की तरफ निक्षारित हो जाती है और मृदा कोलाइडों पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है हाइड्रोजन आयन बचते हैं जो क्या करते हैं मृदा को अम्लीय बना देते हैं। तो न्यूनीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या लिखेंगे हम कि न्यूनीकरण की प्रक्रिया में जब मृदा कोलाइडों पर क्षार अधिशोषित होता है या क्षार धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस क्षार को रिप्लेस करने के लिए या यहाँ से अधिशोषित करने के लिए अन्य कोई धनायन मृदा सतह पर उपस्थित नहीं होता क्योंकि जितने भी धनायन थे कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम वो पहले क्या हुए निक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ कौन बचता है सोडियम बचता है। अब ये सोडियम क्या करेगा जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन मुक्त करेगा। अब ये मुक्त हुई हाइड्रोजन जैसे कि हमें पता है धनायन है तो धनायन तो किस पे जाकर अधिशोषित हो जाएगी क्ले कणों पर वापस या कोलाइडों पर जाकर अधिशोषित हो जाएगी और यहाँ से मुक्त हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके क्या करेगा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। ये सोडियम कार्बोनेट धीरे धीरे क्या करती है निक्षारित होकर मृदा के निचले स्तरों पर जाकर जमा हो जाती है और मृदा कोलाइडों पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती रहती है मृदा कैसी हो जाती है सारी से अम्लीय मृदाओं में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ये होता है निम्नीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीग्रेडिंग की।
यानी पांचवी प्रक्रिया में क्या कहा गया, रीग्रेडिंग में क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया दोबारा चलती है, यानी दोबारा से लवणों का एकत्रित होना और सोडियम कार्बोनेट का बनना, जब ये क्रिया दोबारा से शुरू हो जाती है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, रीग्रेडिंग कहा जाता है। तो लवणीय मृदाओं का निर्माण आई होप समझ में आएगा, लवणीय मृदाओं का निर्माण पांच अवस्थाओं में होता है। पहला होता है लवणों का एकत्रित होना, जिसे हम क्या कहते हैं, लवणीकरण कहते हैं, जिसमें क्या होगा विभिन्न स्रोतों से लवण क्या होंगे मृदा सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी क्षारीकरण की, जिसमें क्या होगा कि लवणी प्रक्रिया में प्राप्त जितने भी लवण है वो क्या करेंगे मृदा कोलाइडों पर आकर अधिशोषित होंगे, तो उसके साथ साथ सोडियम भी आकर अधिशोषित होगा। अब सोडियम क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा और अन्य धनायनों को वहां से हटाने लग जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्षारीकरण। नेक्स्ट प्रक्रिया में हमने बात की थी न्यूनीकरण की। न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी धनायन रिप्लेस होते हैं, यानी जो भी धनायन कोलाइडों पर से हटते हैं, वो तो क्या करते हैं लीचिंग के कारण मृदा सतह में नीचे चले जाते हैं और वहां पर मृदा कोलाइडों पर सिर्फ और सिर्फ बचता है सोडियम। जैसे जैसे सोडियम अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा वो क्या होगा, वो मृदा में जल्दी इनफिल्ट्रेशन या अंतस्राव को रोक देगा। नेक्स्ट बात की थी हमने निम्नीकरण की। तो निम्नीकरण में क्या होता है कि जब मृदा कोलाइडों पर सिर्फ और सिर्फ सोडियम बचता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस सोडियम को रिप्लेस करने के लिए वहां कोई अन्य धनायन नहीं होता, तो मृदा कोलाइडों पर उपस्थित सोडियम क्या करता है हाइड्रोजन के साथ क्रिया, सॉरी जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। उसमें मुक्त हुई हाइड्रोजन क्या करेगी, फिर मृदा कोलाइडों पर आकर अधिशोषित हो जाएगी और बनी हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, कार्बन CO2 के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगी। नेक्स्ट हमने बात की थी रीग्रेडेशन की। जब ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है या बार बार होती है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, रीग्रेडेशन। तो ये होता है लवणीय मृदाओं का निर्माण। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें बात करेंगे लवणीय मृदाओं के प्रकार की, यानी लवणीय मृदाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।